प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में सीएम के लोक भवन में कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कानपुर में रोनिल के हत्यारे आजाद, पुलिस कमिश्नरेट पर उठे सवाल। रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए गाया गाना, पहली बार गुजराती भोजपुरी का मिक्स रैप सॉन्ग। लखनऊ में न्यू कैंपस में तैनात गार्डों का धरना प्रदर्शन, सैलरी ना मिलने से है नाराज। प्रयागराज में एक दिन का मुख्यमंत्री बनने की चाहत, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा युवक। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें यूपी के गांवों में पर्यटन पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। गांवों के घर को होटल और लॉज में तब्दील किए जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इससे प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान, अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को, जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात का देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शाहजहांपुर में पोषण अभियान के तहत तंदुरुस्त बालक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार किट भी दी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद का कहना है कि अगर आज का बच्चा स्वस्थ होगा तो कल का भारत स्वस्थ होगा। कार्यक्रम का आयोजन अजीजगंज आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया, जिसमें बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम तंदुरुस्त बालक रखा गया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम को विशेष रूप से चलाया गया है। उन्होंने चिंता की है कि हमारे देश की महिलाएं और बच्चे ये अगर स्वस्थ होंगे तो देश आगे तरक्की करेगा। 2 अक्टूबर 1975 को इस विभाग की स्थापना हुई थी, तब से ये विभाग काम कर रहा है। हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी के द्वारा गांव में जाकर के महिलाओं को समझाना, उनका टीकाकरण कराना, गर्भावस्था के टाइम पर उन बच्चों की देखभाल करना, बच्चा कैसा। मथुरा में आए युवक ने प्रयागराज में एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के लिए धरने पर बैठ गया। प्रकाश चंद्र अग्रवाल नाम का ये शख्स प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी नीतियों का पालन ना करने को लेकर काफी निराश है। युवक का कहना है कि एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि वह इस प्रदेश की शासन व्यवस्था दुरुस्त कर दे, जिसके चलते युवक सिविल लाइन्स में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। आंदोलन कर रहा हूँ,
गवर्नमेंट आदेश करती है और शासनादेश का पालन नहीं होता है, इसलिए हाईकोर्ट में 27 पर्सन जब बहुत सी कठिन समस्या हो गई हैं, सब भिष्टे गए हैं जब गवर्नमेंट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मैंने एक दिन का मुख्यमंत्री बनने की मांग की है, उसके लिए धरना चल रहा है, निश्चित धरना चल जाएगा। मैंने पिक्चर के बाद नहीं, पिक्चर कहने पर देखने के बाद पूरा लिख के भेजा है, बहुत सारी समस्या लिख के भेजी है, देखते नहीं है। ये मथुरा में द्वारका जी के दर्शन करने आ जाए तो दिख जाए कि योजना में कितना करोड़ घोटाला है, पानी भैंसे बांधना चाहिए, जरूर नियुक्ति होनी चाहिए, ये नहीं गए। इसलिए मैंने एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के लिए धरना दिया हुआ है। उनके आदेश का पालन होता गया है, उनको हमारी तरह समझता बहुत सही गए। अगर वो द्वारकाधीश के दर्शन ही मथा के देख ले तो शाही पोल खुल जाए करोड़ों का घोटाला। भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए पहली बार गुजराती भोजपुरी का मिक्स रैप सॉन्ग गाया है। इस गाने का पोस्टर जारी किया कर दिया गया है, इसे जल्द ही रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। पोस्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के साथ में पीएम मोदी और गुजरात के वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल की तस्वीर भी है। शाजापुर में हाईवे पर मिश्रा कोल्ड स्टोर के पास डीसीएम और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच में जुट गई है। टेम्पो पलटने की घटना हुई है, जिसकी वजह से लोग यहां पर आए, पांचों काफी घायल है, उसमें दो काफी गंभीर रूप से घायल है, उनका सबका जो है यहाँ पर उपचार शुरू कर दिया गया है और उनको सबको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। जो दो बहुत घायल हैं उनके ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है, उनके सभी डॉक्टर्स ने उसको जो है उनको देख लिया और ट्रीटमेंट चालू हो सका। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय डेंगू और बुखार से बहुत लोग पीड़ित हैं, तो वहीं कई लोग डेंगू बुखार से अपनी जान गंवा चुके हैं। बिजनौर में भी बुखार ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसको देखते हुए डेंगू को लेकर बिजनौर के जिला अस्पताल में डेडिकेटेड मिनी डेंगू हॉस्पिटल बनाया गया है। डेडिकेटेड मिनी डेंगू हॉस्पिटल में 36 बेड की सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि सीएमएस द्वारा डेंगू हॉस्पिटल के लिए 2 नोडल भी नियुक्त किए गए हैं। बिस्तर के हिसाब से तो पर्याप्त है, 36 बिस्तर बनाया हुआ है डेंगू के लिए और स्टाफ का रोस्टर है बकायदा, सब स्टाफ की ड्यूटी लगी है बकायदा तीनों शिफ्ट में। दूसरा आईवी फ्लूइड का होता है, वो पूरी व्यवस्था है, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। इसमें कोई खास दवा तो चलती नहीं, सिम्प्टोमेटिक होता है, फ्लूइड और ORS की ज़रूरत होती है, वो पर्याप्त मात्रा में प्लस बुखार के लिए होता है, तो वो सब पर्याप्त मात्रा में पहले से ही है। डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बना दिया गया, जिसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल करके मैंने बना दिया है, डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल, जिसमें कि 36 बिस्तर। औरैया जिले में खाद्य विभाग की टीम को लगातार एरवा कटरा में मिलावटी दूध सप्लाई होने की सूचना मुखबिरों से मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र अपनी टीम के साथ एरवा कटरा पहुंचे, जिसमें खाद्य विभाग की टीम ने जांच में 5 केनों में मिलावटी दूध पाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। के आधार पर जो है ये लगातार सूचना आ रही थी कि रामपुरा और नियामतपुर गांव में जो है गड़बड़ दूध बनाया जा रहा है जी। उसी संदेश के आधार पर हम लोगों ने आज गाड़ी पकड़ी थी जी और उसमें जो है नमूना लेकर के जो है 50 लीटर दूध नष्ट करवा दिया है, अच्छी जो है गाड़ी छोड़ दी थी। औरैया में फिर एक बार शिक्षक हैवान बन गया, जहां प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाली छात्रा को बुरी तरीके से पीटा गया, जिसके चलते छात्रा स्कूल में ही बेहोश हो गई। छात्रा के स्कूल में बेहोश होने की सूचना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पीड़िता छात्र के घर को दी, जहाँ सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों ने आरोपी शिक्षक की शिकायत पुलिस से की है, जहां पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला फफून थाना क्षेत्र का है। मेरा नाम आलिया है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूं। कहां रहते हैं? कराई में। अच्छा, मास्टर साहब ने आपको मारा था? हाँ पहले मारा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुम्हारे पापा जी ने मार दिया। कहाँ पे मारा था?
पीठ में मारा था। कर रही। अच्छा, कल टीचर ने आपको मारा था? हाँ सर, हमें दो डस्टर मारे थे सर ने। अच्छा, जो बच्ची वो बीमार है उसको? उसको भी मारा था। मेरी लड़की को इतना मारा था कि उसकी पूरी पीठ काली कर दी थी। उसके बाद में उसके पास गए तो वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद में भी उसके मैडम ने जब बताया कि पहले तुमने यहाँ तो देख लिया, उसकी पीठ खोल के देखो। जब हमने उसकी पीठ खोल के देखी तो तुरंत ही हम कार्रवाई के लिए फपून थाने गए थे, लेकिन वहाँ कार्रवाई एप्लीकेशन देने के बाद में भी पुलिस नहीं आई थी। फिर हम लोगों को समझा बुझा के और BSC साहब के पास बुलवा कर समझौता कर दिया था। बोले अब ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी, एक बार नहीं पाँचवा कांड है ये। जब भी मारता है तो बुरी तरीके से बच्चों को मारता है, जात पात के ऊपर मारता है। स्कूल में बिटिया को मारा है मास्टर ने, ज्ञान प्रसाद ने, और छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती है बेटी आपकी? पांचवी में। क्या नाम है? साहिबा। थाना फफूंद के ग्राम जैतपुर में प्राथमिक विद्यालय में एक बच्ची के साथ में एक टीचर द्वारा मारपीट के संबंध में थाना फफूंद में तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर समचीन धारा में मुकदमा पंजीत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में रवि की फसल को लेकर किसानों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर क्षेत्र में किसान क्षेत्रीय सहकारी समिति में किसान भूखे प्यासे खाद लेने के लिए कतार में लगे हैं। आपको बता दें कि गोदाम में खाद कम होने के कारण खाद का वितरण किसानों को पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। कुछ किसान अपने खेतों में समय से गेहूं की फसल बोने के लिए अधिक पैसे से बाहरी दुकानों से खाद खरीद रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि सहकारी समिति से सिफारिश वालों को समय से खाद नहीं मिल रहा है, और किसानों का ये भी कहना है कि समय से खाद नहीं मिली तो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। खाद की कमी की वजह से ये लोग लेट आए हैं और ये जो है धीरे धीरे खाद दे रहे हैं। हम लोग सुबह से ही पड़े हैं सब किसान। यहाँ ये भीड़ जो लग रही है ना कि धान ले बाजी चल रही है, जो है काऊ की मत ये गपड़ा है कि मतलब काऊ की सिफारिश आ जाए। क्या चीज लेने आए आप? खाद बीच में जो क्रमकों की जो रैक लगी उसमें से कोई खाद नहीं मिला। उससे पहले जो इसको की रैक मिली उसमें से खाद मिला था, ये बीच में हो गया गैप ज़्यादा, उस वजह से एकदम भीड़ बढ़ गई है। इसमें गेहूँ रबी फसल में गेहूँ की बुवाई एकदम पीक पे है, इस कारण से ये भीड़ ज़्यादा है। आपको बता दें कि किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्र में किसान क्षेत्रीय सहकारी समिति में किसान भूखे प्यासे खाद लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं। गोदाम में खाद कम होने के कारण खाद का वितरण किसानों को पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा। किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर अपने खेत में समय से गेहूं की फसल बोने के लिए अधिक पैसों से बाहरी दुकानों से खाद खरीद रहे हैं। सहकारी समिति से सिफारिश वालों को समय से खाद नहीं मिल रहा है। आपको बता दें किसानों का ये भी कहना है कि समय से खाद नहीं मिलने पर वो प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि किसानों को सहकारी समिति से सिफारिश वालों को समय से खाद नहीं मिल रहा है। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज की बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर बवाल हो गया। आपको बता दें कि कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों के बीच जमकर मारपीट और ईंट पत्थर भी चलाए गए। इससे कॉलेज के कई छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले भी मैडम विवाद हुआ था, यहाँ पे आए थे लोग। हाँ, क्या बात? उस समय कार्य रुका हुआ था।
अभी जो स्थिति है उसको जांच कर रही है। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड 3 महीनों से सैलरी ना मिलने की वजह से नाराज हैं। गार्डों ने विश्वविद्यालय गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गार्डों से बात कर दोबारा काम पर लौटने को कहा है। सर, हम लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर में है। हम लोगों की समस्या सर ये है कि 2 महीने हो गए हैं, ये तीसरा महीना चला, हम लोगों की सैलरी नहीं आई। कितने दिन से सैलरी नहीं आ रही आपकी? सर, ये तीसरा महीना चला। कितने गार्ड हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर 43-43 गार्ड हैं। अच्छा, कब से सैलरी नहीं आ रही है? सर, ये अक्टूबर से। क्या कहा अभी आप लोग यहाँ जो धरना दे रहे हैं, तो किसी से बात हुई? कोई अधिकारी आया या कोई आपके सिक्योरिटी एजेंसी का कोई मालिक आया है? कोई नहीं आया सर। हम लोग फोन करते तो बोलते हैं 1-2 दिन से, सर दिवाली से बोल रहे हैं कि 2 दिन में आ जाएगी, दिवाली से अभी तक 2 दिन नहीं हुए। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं यहाँ, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, बच्चों की फीस देना है, बच्चे स्कूल में पेपर नहीं दे पा रहे हैं मेरे, और ट्यूशन की फीस अलग देना, और ना तो घर में राशन है ना पानी है। जो हम लोग ड्यूटी इसीलिए तो कर रहे हैं कि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिले। कौन सी जगह है, कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है? विश्वविद्यालय। तो कौन सी कंपनी यहाँ काम करा रही है आपसे? मालिक का क्या नाम है? नितेश। लोग रात में और दिन में 8 घंटे की शिफ्ट है, 3 शिफ्टें चलती हैं। उसके अलावा अभी तक कुछ गार्डों का ऐसा हुआ है कि अभी 3 माह हो रहे हैं, वेतन नहीं आया, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे। क्या नाम है सिक्योरिटी एजेंसी का? साईनाथ एसोसिएट। कितने साल से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं? हम तो अभी 1 साल से। तो अभी कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है? 3 महीना हो गया, पैसे नहीं दे रहे हैं सर। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी के मालिक जो? वही हम सर कह रहे हैं कि पैसा दे देते, वाले बच्चे कैसे खाएं सर, बाहर से आए हैं। अच्छा, खबर कासगंज से है, जहां कानून और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोतवाली प्रभारी हरिबान सिंह ने जनपद में पैदल मार्च निकाला और स्थानीय निवासियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैदल मार्च के दौरान कोतवाली प्रभारी ने बाइक सवारों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। इस मौके पर क्राइम इंस्पेक्टर राम प्रकाश गौतम सहित अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहे। खबर कानपुर से है, जहां रोनिल सरकार हत्याकांड पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। रोनिल सरकार के परिजन और बंगाली समाज ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस आयोजित कर हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की। परिजनों का आरोप कि हत्या के 15 दिन बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिसकी मेरे बेटे की 31 तारीख को स्कूल गया था, उसके बाद वो स्कूल से लौटा नहीं, जिसकी मैंने गुमशुदी 31 तारीख को शाम 4 बजे श्याम नगर चौकी में और 5 बजे के आसपास चकेरी थाने में लिखवा दी थी। अगले दिन सुबह 1 तारीख को मॉर्निंग में उसकी बॉडी हमें टटिया गांव में जो रेलवे ट्रैक है उसके पीछे जंगलों में मिली। तब से लेके अभी तक इस पर कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, हमें आश्वासन के अलावा कोई चीज़ नहीं मिला। खबर गाजियाबाद से है, जहां हिंडन बैराज की झाड़ियों में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। राहगीरों ने शव की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। परिजनों को शव की सूचना दी गई। युवक के एक परिजन ने व्यक्ति की हत्या की आशंका, थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम करा, घटना की उच्च स्तरीय जाँच के लिए निर्देशन भी जारी किए हैं। वो परसों दोपहर से गायब है। ठीक है, और उसको जब से देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं जी। कल हमने रिपोर्ट भी लिखाई थी, रिपोर्ट लिखा लिखने के बाद हमने एड्रेस दिया यहाँ पे, उसकी बाइक मिली थी खड़ी हुई यहाँ पे जी। तो हत्या लग रही है जी सर, इतना सा पेड़ है, उस पर क्या बच्चा फांसी थोड़ी ना लगा लेगा? और फिर मोटरसाइकिल यहाँ मिली है और बच्चा पड़ा 2 किलोमीटर आ गए। किस पे शक है आपको? डीके नाम का कही है कोई, मैं तो मैं वहाँ रहा हूँ बहरामपुर।
और बेटा ये गेट यहाँ रहे मेरा। आपने क्या लिखित में पुलिस को शिकायत करी है इसकी हत्या की? नहीं मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा पुलिस सुसाइड बता रही है? पता ना क्या मैं तो लगता नहीं सुसाइड कर दिया। नाम आपका? मेरा नाम राहुल है और जिसकी भी डेथ हुई है मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मुझसे बड़ा है। तो हम ये साफ साफ ये कहना चाहेंगे उसके खिलाफ़ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने अपने आप फांसी नहीं लगाई, उसकी जो है हत्या करी गई है। उसको दो तीन दिन पहले धमकी भी आई थी, एक डीके नाम का है हमारे ताऊ के घर के पास है, उसको धमकी भी आई थी कि तेरे पास एक दो दिन का टाइम है, हम तुझे मार देंगे। और उन्होंने यही काम करा, मेरे भाई को मारा गया, वो अपने आप नहीं मरा। खबर बिजनौर से है जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पर श्रद्धा वॉकर की हत्या करने वाले युवक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी युवक के खिलाफ फांसी की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरोपी आफताब अमीन के अन्य हिंदू लड़कियों के साथ संबंध सामने आए हैं। उन्होंने पूरे हत्याकांड की NIA से जाँच कराने की जिला प्रशासन से मांग की है। यह है कि बहन श्रद्धा वाकर जो मुंबई की रहने वाली है और एक लड़का है आफताब पुरैनी और जिसने पूना का रहने वाला है, वो उसने दिल्ली में श्रद्धा के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था और उसका मन भर जाने के कारण से उसने अपनी जिहाद सोच को लेकर के बहन श्रद्धा के साथ में जो 35 टुकड़े करके एक बंद कमरे में फ्रिज के अंदर 35 टुकड़े कर करके रखा उसने और एक एक टुकड़ा करके इलाकों में फेंक दिया। ऐसी दर्दनाक हत्या की है उसने बहन श्रद्धा की। मैं पूरे इस राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देने आए हैं यहाँ। खबर औरैया से है जहां SP चारू निगम ने ड्यूटी पॉइंट पर तैनात सिपाही चीता मोबाइल और पीकेट रियल्टी का औचक निरीक्षण किया, साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए। SP चारू निगम ने तेज रफ्तार गाड़ियों को रोककर उनके दस्तावेजों की जानकारी भी दी, रात्रि भ्रमण कर स्थानीय जनता को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के गांव आपपुर में शराबी पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। बीच बचाव में आई बेटी पर शराबी पिता ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और बेटी की मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी पिता मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मडराक थाना क्षेत्र के अबूपुर गाँव में सीरेन नामक व्यक्ति अपने घर में पत्नी से झगड़ा कर रहा था, जिस दौरान उसकी बेटी बचाव के लिए आई और उसने अपनी बेटी को गोली मार दिया, जिस पर मृतका के मामा ललित सिंह ने तहरीरी सूचना दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच चुकी है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। दारू पी रखी वाना इनके पिता ने, तो कैसे मौत कैसी हुई है? घर में झगड़ा है माँ बाप के बीच, तो पिता ने गोली गोली मार दी। गोली मार दी तो क्या मतलब माँ और बाप का आपसी विवाद था या कुछ और भी विवाद था? कोई विवाद नहीं, दारू पी, दारू पी, शराब पी के गोली मार दी। कब की घटना है? कल की। तो अब वो कहाँ है आरोपी जो पिता है इनके? कहाँ फरार हो गए। औरैया में एरवा कटरा थाना क्षेत्र के एरवा कोयली में देवर ने अपनी भाभी को बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि बिधुना थाना क्षेत्र के भसोरा गांव निवासी महिला के ने थाने में पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।